हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग की यात्रा कालीन चौक देवी की है और हम सब निकल चुके हैं। We are very excited. रास्ते में इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले दिन हम लोग चेरीकोट में स्टे करेंगे। हम लोग चेरीकोट में आ चुके हैं। चेरीकोट में हम लोग सुबह 5 बजे ही हम सब कोरी विलेज के लिए निकल चुके हैं और हम सब कोरी विलेज जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ स्नो इतना खूबसूरत लग रहा है, प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर। अब हम सब लोग कुरी विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं अपने चारों ओर देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्नो हो चुकी है, जो बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है। अत्यधिक सुंदर है यहाँ का दृश्य। ठंड भी है यहाँ पर और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग केबल कार की ओर जाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही स्लो चल रही हूँ क्योंकि मेरा पैर यहाँ पर स्लिप हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैं बहुत ही स्लो चल रही हूँ। थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं और अभी हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं केबल कार के पास। हमने यहाँ आकर देखा बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और माता के दर्शन करने के लिए हम लाइन में अब लग जाते हैं केबल कार में जाने के लिए। देख पा रहे हैं केबल कार आ गई है। और हम केबल कार में बैठकर अब निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। हम लोग कालीन चौक पहुंच चुके हैं और हम अब माता के दर्शन को आगे बढ़ेंगे।
हम मंदिर की ओर जाएंगे। अब यहाँ बहुत ही ऊंचाई है, बहुत ही ऊंचा है ये। थक गए हैं यहाँ चलते चलते, अभी चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर। थोड़ी मुश्किल हो रही है ठंड की वजह से। हम मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे कुछ दाई घंटी बजाकर माता को बता रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं दर्शन के लिए। मंदिर बहुत ही ऊंची है, थोड़ा यहाँ सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मंदिर में बहुत भीड़ भी है। तीन हजार आठ सौ फीट की ऊंचाई पर हम लोग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये भगवान गणेश जी हैं। पहले हम उनका पूजन करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशानियाँ रही 2020 में कोरोना को लेकर, वो सब हमारे बप्पा दूर कर दें अब, और आप सबको उन्नति प्राप्त कराएं। यही प्रार्थना मैं करती हूँ आकर यहाँ कालीन चौक माता से। 2021 हम लोगों का बहुत ही अच्छा जाए। यहाँ इतनी ठंड है, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। ये माता जी का मंदिर है। अभी हम यहाँ पूजन करेंगे। हमने पूजन कर लिया और आप सब लोग भी माता का दर्शन कर लें इसी के माध्यम से, और प्रार्थनाएं हम सब साथ में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर। अब हम वापस चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्लिप हो रहा था और मैं सीढ़ियों को पकड़ कर ही चल रही हूँ नीचे। मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है नीचे उतरने में कि काफी स्लिप हो रहा है यहाँ पर। ये दुर्गा भाभी हैं और हमारे कुछ दाई हैं। हम लोग अपनी टीम के साथ गए थे। यहाँ पर काफ़ी फन चल रहा है, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर स्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपनी आईज के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी कार के पास आ गए हैं और अब हम लोग वापस चलेंगे। लौटते वक्त हम लोग दोलखा भीमेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद काठमांडू में जाएंगे। ये भीमेश्वर मंदिर है, यहाँ पर हम पूजन करेंगे। यहाँ भी लाइन में हम लोग आकर और पूजन कर रहे हैं। अब हम लोग काठमांडू की ओर जा रहे हैं। मुड़े विलेज में हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में भारी स्नोफॉल हो रहा है। रास्ते में भारी स्नोफॉल की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है, सो आज हम मुड़े विलेज में नाइट स्टे करेंगे। सुबह का ये बर्फ भरा दृश्य,
आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।